हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं एनिमी श्लोगर और आज मैं आया हूँ एसवी एनिमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एसवी एनिमी मेरे काफी अच्छे दोस्त है और उसके घर पर आजकल काफी सारे रिलेटिव आए हुए हैं, तो इस वजह से वो अपनी वीडियो सुना नहीं पा रहा था, और इसलिए आज उसका एक एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं टू लव रू का एपिसोड 17 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। और आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी यूट्यूब चैनल लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज उसे चेकआउट कर लेना। मैं अभी एनिमी को हिंदी में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो फिर नेक्स्ट टाइम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फिर समय यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में वो स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और उनकी कुछ लड़की आपस में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं, हे सिनो, क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल की ओल्ड वाली बिल्डिंग में एक घोस्ट रहता है। तो इस पर उसके इतना कहती है हारुका बहुत ज्यादा डर जाती है, और फिर जो पहले की दो लड़कियाँ होती है वो उसे देखकर उसे और उसे डराने लगती है घोस्ट के नाम से। फिर यहाँ पर रीटो आता है और उनसे कहता है, पता है तुम लोगों ने घोस्ट के बारे में कहाँ से सुन लिया, घोस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों लड़कियाँ रीटो से बहस करने लगते हैं कि घोस्ट सच में होते हैं। फिर लाला कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज रात को स्कूल की बिल्डिंग में जाकर देख के आएंगे कि वहाँ पर सच में कोई घोस्ट आए भी या फिर नहीं। फिर हारुका बोलती है, हे सुनो, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर बिना परमिशन के जाना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर दूसरी लड़की उससे जवाब देती है, अच्छा तुम ऐसा इससे कह रही हो क्योंकि तुम डर रही हो, तो भी हमारे साथ आओगी। तो बस फिर रीटो देखता है कि हारुका चैन घोस्ट के नाम से बहुत ज़्यादा डर रही है। फिर रीटो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि मैं हारुका चैन को बचा सकूं घोस्ट से। फिर हारुका चैन उन सभी लड़कियों से कहता है कि वो भी उन सभी के साथ आज स्कूल की पुरानी वाली बिल्डिंग में जाने वाला है। उसके फिर हमें पता चलता है कि वो भी उन सब की ये बारे सुन रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल की पुरानी वाली बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ रीटो को आगे आगे धकेलने लगते हैं कि वही आगे जाए सबसे पहले, और वही सबसे पहले घोस्ट से मिल के आए। जो मेन बिल्डिंग का डोर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर डेंजर का साइन बना होता है, और वहाँ पर लिखा होता है कि कोई प्लीज इसके अंदर ना जाए, लेकिन वो सभी उसकी उस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसे वो लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वाला दरवाजा एकदम से खुल जाता है, फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं, और हम देखते हैं वाला दरवाजा खुल बिल्कुल बंद भी हो जाता है। उसके बाद फिर हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि लाला चैन को उसको आवाज़ से पुकार पुकार कर बुला रही होती है, लेकिन फिर भी अब तक कोई उस पार सामने आया ही नहीं है। फिर तब अचानक से उन सभी को वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उससे बहुत सारे डर जाते हैं। फिर तब लाला चैन वहाँ पर आग जाकर देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई सच में है। फिर जैसे वो आग जाकर देखते तभी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर यामी चैन है। तो इस तरह से देखते साथ से थोड़ा सा खुश होते कि यामी चैन को यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। फिर तब चैन से यामी चैन बोलती है, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई है। फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से यू चैन आ जाती है और उन सब से कहती है, हे, मुझे लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर आना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। फिर वो सभी उसकी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और आगे आगे जाने लगते हैं, और देखते हैं यहाँ पर कोई आसपास घोस्ट है भी या फिर नहीं। फिर तभी उन लोगों को अजीब सी आवाज़ें लगती हैं और कोई कहता है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तो वैसे रोली अजीब अजीब आवाज़ों को सुनने के बाद बाकी लड़कियों को लगता है कि जो उनके आसपास की लड़कियाँ वो ये आवाज़ें निकाल रही हैं। फिर रीटो कहता है, अगर ये हमें से कोई आवाज़ नहीं निकाला तो उसका मतलब ये तो नहीं कि ये असली घोस्ट हो सकते हैं। तो वैसे तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग खड़े हुए होते हैं वो भी जमीन एकदम से टूट जाती है, और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और अच्छी बात तो ये कि वो उससे बिल्कुल और बिल्कुल सेफ है, उन सभी को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर तभी चाहे उसे कि नेक्स्ट रूम से हारिका को कोई पियानो बजने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। बोली पियानो की आवाज़ सुनकर बोली सभी के सभी लोग बहुत सारे डर जाते हैं। फिर लाल थोड़ी सी आगे जाती है और बोली दरवाजे को खोलती है जहाँ से पियानो की आवाज़ आ रही होती है। फिर जैसे बोली कमरे में देखते हैं तभी वो सारे हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि कोई इनविजिबल बंदा बोले पियानो को चला रहा होता है, मतलब कि बोले पियानो खुद ब खुद ही चल रहा होता है। फिर देखते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और फिर वो सभी चांस वहाँ पर बाँस से भाग जाते हैं। फिर तभी चांस जो यामी चैन होती है वो तभी एक चीज़ में ट्रांसफॉर्म होकर उस पियानो के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन फिर तभी चांस वहाँ पर एक स्केलेटन आ जाता है, और उसे देखते हैं वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर तभी चांस वो सब पीछे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी जैसे चांस एक इंसान जैसे दिखने वाला भूत उनकी तरफ ही आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो वही जगह होती है वही जगह भी नीचे से टूट जाती है, और उससे फिर से नीचे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर उनके सामने वही दोनों पुराने वाले भूत आ जाते हैं, और फिर उन्हें देखकर वो उससे बहुत सारा डर जाते हैं। लेकिन फिर तभी चांस लाल और स्केलेटन वाले भूत की बात आती है, और हम देखते हैं कि वो उसका स्केलेटन का जो स्कल होता है, जो उसकी खोपड़ी होती है, वो उसको निकाल देती है, और उसे पकड़ते हुए अपने हाथ में कहती है, हे, तुम कितने अजीब से भूत हो, तुम्हारी जो आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है। फिर तभी चांस का जो स्कल होता है वो एक वाटर टैप पे लग जाता है, और वहाँ पर उस कमरे बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं जो स्केलेटन होता है और जो दूसरा बंदा होता है घोस्ट टाइप, उनमें से कुछ छोटे छोटे एलियन टाइप के कुछ बाहर निकलने लगते हैं, और फिर तभी चांस वो सभी दूर से जाते हैं और वो सभी आपस में मिल जाते हैं। फिर तभी चांस वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट होता है वहाँ पर।
फिर यार उस ब्लास्ट कर वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और फिर लारा शैन और यामी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोला मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन देखो चाक से हारोगेशन वहाँ पर आती है और डर के मारे रीटा को अपने हाथ में पकड़ कर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। फिर देखो चाक वहाँ पर फिर से एक बहुत सारा बड़े वाला ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि बोला मॉन्स्टर गायब हो जाता है और उस चीज़ के ऊपर कुछ एलियन तरह के देखने वाले कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं। और मैं आप सभी को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूतपूर्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, इससे बस केवल एलियन थे जो यहाँ की रक्षा कर रहे थे भूत को दिखाने के लिए कि यहाँ के लोगों ने यहाँ पर परेशान ना करें। एक्चुअली जो ये एलियंस थे ये स्पेस से आए हैं और इन्होंने इनकी ओल्ड स्कूल की बिल्डिंग को अपना घर बना लिया है और ये लोग यहीं पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। फिर हम देखते हैं तभी चांस वहाँ पर डॉक्टर मिकाडो आ जाती है और रुक कहती है हाँ, तो फिर अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि भूतपूर्व नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर वैसे तुमसे कोई जॉब चाहिए तो तुम सभी मेरे पीछे आ सकते हो। हम देखते हैं कि वो सभी एलियंस मिकाडो के साथ चले जाते हैं। फिर वो बाकी बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अच्छी बात है कि यहाँ पर और कोई भूत नहीं है। लेकिन तब चांस से उन सभी के पीछे से एक वाइट से कलर की स्वीट बाहर निकलती है और फिर उसको देखते हैं वो सभी बहुत ही सारा डर जाते हैं। और इसमें आप सभी को आप जानकारी के लिए बता दो कि वाइट कलर की स्वीट का नाम है ओशी जीरो और ये यहाँ पर पिछले 400 सालों से रह रही है और ओशी जीरो काफ़ी रातों से ठीक से सो भी नहीं पाई है क्योंकि जो ये एलियंस है वो लोग हर रात को यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो पार्टी करते हैं, इसी वजह से ओशी जीरो सो भी नहीं पा रही है काफ़ी रातों से। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है और वहाँ पर डॉक्टर मिकाडो और जो बाकी एलियंस होते हैं वही वापस आ जाते हैं। फिर डॉक्टर मिकाडो कहती हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इन सभी के लिए कोई जॉब ही नहीं मिल पाई, आई एम सॉरी। तो उसके बाद जो ओशी जीरो होती है वो कहती है अच्छा सुनो, तो मैं तुम सभी को जॉब दिला सकती हूँ, तुम सभी को एक होटल में काम करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पर तुम्हें लड़कियों जैसे बिहेव करना होगा। फिर हम देखते हैं कि उस दिन से ओशी जीरो उन सभी एलियंस को लड़कियों जैसी हरकतें करना सिखा देती है। आई मीन कि जैसे कि लड़के नाचती हैं, गाती हैं, चीज़ों की साफ सफाई करती हैं और जो भी कुछ लड़कियाँ करती हैं वो सब कुछ ओशी जीरो उन एलियंस को सिखा देती है। उसके बाद हम काफ़ी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उन सभी एलियंस को जॉब मिल जाती है और अब एंड में काफ़ी सारे लोग खुश हैं। और यहीं पर एपिसोड 17 खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और हाँ, आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे रुचि का लिंक मिल जाएगा, तो यार प्लीज उसे चेकआउट कर लेना। मैं अभी एनीमे और मांगा को हिंदी में एक्सप्लेन करता रहता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।